1933 में आज ही के दिन परमवीर चक्र विजेता भारतीय सैनिक अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी पैटर्न के तीनों टैंकों को एक एक कर अपने गोलों से उड़ा दिया था। इस युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें पहले महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। 28 जनवरी 2000 को भारतीय डाक विभाग द्वारा वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया, जिसमें अब्दुल हमीद भी शामिल थे। 1938 में आज ही के दिन मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी के जरिए शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने का काम किया। उनकी शुरुआत तबला वादक के रूप में हुई थी। संगीत सीखने के बाद उन्होंने काफी समय ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया। उन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। इन्हें फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार और ब्रिटेन के शाही परिवार की तरफ से भी सम्मान मिला है। 1994 में आज ही के दिन फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रमुख यासर अराफात 27 वर्ष के निर्वासन के बाद गाजा पट्टी वापस लौटे थे। अराफात के नेतृत्व में उनके संगठन ने शांति की जगह संघर्ष को बढ़ावा दिया और इजराइल हमेशा उनके निशाने पर रहा। अराफात की छवि 1988 में अचानक बदली हुई दिखी, जब शांति से संघर्ष की पहल करने वाले अराफात को किसी राष्ट्र का नेतृत्व न करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। बाद में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत से भी अराफात की काफी नजदीकियां थी। इंदिरा गांधी को वो अपनी बड़ी बहन मानते थे। इन्होंने भारत में 1991 के चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी के जानलेवा हमले को लेकर आगाह किया था। 1997 में आज के दिन 150 साल के ब्रितानी औपनिवेशिक शासन के बाद हांगकांग का शासन चीन को सौंप दिया गया। देश के गवर्नमेंट हाउस पर लहरा रहे ब्रितानी झंडे को नीचे उतार लिया गया और हांगकांग के आखिरी गवर्नर क्रिस पैटन ने यहां से विदाई ली। हांगकांग द्वीप पर 1842 में ब्रितानी नियंत्रण रहा था और इसमें सिर्फ वही दिन नहीं शामिल थे जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इस पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया था। 1997 के स्थानांतरण समारोह में मौजूद नामचीन लोगों में नवनियुक्त ब्रितानी प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ब्रितानी शाही परिवार के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स और चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग ज़ेमिन शामिल थे।